जेड़े सुखबीर बादल तेन तकलीफ हो रही है ना मिर्चा लड़ रही है बिजली के बिल वाली तो मैं बड़ा क्लीयर कर दा कि साडे कोल हराम के पैसे नहीं तेरे वर्गे है ना जिन्हें तू हराम के पैसे कमाए हुए हैं बड़ी इज्जत नाल रोटी कमाई थी है तनखा जो गुजारा करी जाए तो जे शोरूम के किराए आ रहे थे ना तो ये अपनी कोरोना का टाइम सीगा जदों जदों रेंटल इनकम बंद होगी तो बंदा औखे होके भी गुजारे कर रहा है अपने घर के उत्ते सोलर लाए हैं तो अज तक नहीं जिंदगी होया कि जेडे बिल है ना असीं अपनी जेबा चो भरते हैं तो थोड़े वो थोड़े इन्ने ज्यादा घर के एसी चलते हैं ना तो सरकार तो नहीं लेंगे जे बीमार हुए ना तो अपना इलाज भी अपने पैसों तो कराया जे सैर सपाटे से गए तो एलटीसी भी नहीं लिती अपने पैसों तो गए सरकारी काम करने जो हवाई जहाजा से गए ना तो अपने पैसे ला के किए तो बिजली का जो बिल है ना ये नहीं है कि बिल नहीं दिता यह गल सी कि सर्दियों के गर्मियों के बराबर बिल क्यों आवे जो असी नहीं चलते उदो भी तो एक अपील पाई सी कि इन्ना ज्यादा बिल तुम घर का किए कर दें हो एक लख रुपया दो जने अं घर च रहने भी इन्ना वाला बिल किए आ जाता है भी यह चेक किया जाए कि सर्दियां गर्मियों च बराबर बिल किए आता है तो हर सारी उम्र जिंदगी अपने बिल ही भरते आए हैं तो वह बंदे क्वेश्चन कर रहे हैं जिन्हें अपनी जेबा चो लखा रुपया करोड़ा रुपया लोगों को देता लोगों के बिल भरने जेड़े बंदे जरूरत हुई जो उस बंदे को पैसा सी अज वो पंजाब करके अपना सारा कारोबार बंद करके बैठा है तो जो को पैसा हों तो जिथे जिथे जिन्हों लोड़ पी उन्हें अपनी ईमानदारी की कमाई तो चेक कट के दिते तू दस तू जो दवानी भी अपनी जेब चो कदे किसी नूं दित्ती होवे ते तू सरकारी केड़े फायदे नहीं उठाए थोड़े घरां दे घरदियां दे जदों इलाज होए ना तुसी अपने करोड़ों रुपया के बिल कढ लो जिहड़े तुसी सरकार दे खाते तो खाधे है तुसी तां प्रोग्राम करदे हो तां ही सरकारी खाते चो करदे हो ते असीं तां कदे सरकारी पैसा नहीं मंगिया ते इह जिहड़ी अपील पाई सी ना ऑलरेडी क्लीयर हो गई है एंड वो मन भी गए जिहड़े बिजली बोर्ड वाले है ते जिहड़ा रेस्ट ऑफ द पेमेंट है तुसी करनी है असी कहता बिल अज तक नहीं भरिया तो परवाह ना कर तू यह परवाह कर तू अपनी जेब चो कदे कोरोना वाले नूं दवानी दित्ती साडे कोल तां जिन्ना पैसा सी असी अपनी बैंकां दे पैसे चो कढ़ा के 8 महीने का राशन कोरोना च घरां च पहुंचाया लोगों के तू दस तू की कीता कोई बंदा है जिहड़ा अपना 30 करोड़ की नौकरी साल की छड्ड के इत्थे बैठा है पंजाब दे बंदियां दे पिछे है ना ते तू दवानी नहीं छड्डी जांदी तू तो सारा पंजाब लुट के खा गया तेनूं गल्लां आंदियां ने सो अपनी औकात च रह बोलन तो पहला सोच के बोलिया नवजोत सिद्धू है जिन्हें जो अमृतसर गए थे ना एमपी बन के 1.5 करोड़ अपनी जेब चो दिता सी हरियाली लई पेड़ पौधे लाने लई अपने अपनी नेक कमाई चो 25 लाख किसानां दे जदों अग लग गई सी ना उत्थे दिता सी मैं ना अचानक अपोलो हस्पताल दाखिल हो गई उत्थे 3 मरीज मेरे कोल आए जिन्हां दे ऑपरेशन दे लई 25-25 लाख उन्हें बिना दसे घर तो अपनी जेबा चो दिते मुड़ के उन्हें अजमेर औलख जी नूं 8 लाख का चैक उत्थे दे के आए शहीद भगत सिंह दे उत्थे बिजली का बिल नहीं सी भरिया होया 2.5 लाख उत्थे अपनी जेब चो दे के आए 1 लाख दा उन्हां नूं इनाम मिलिया ओदी जगह 2 लाख इदू शरीफ जी नूं अपनी जेब चो दे के आए तेरे वर्गे बंदे ने कदे जूं ही दित्ती अपनी जेब चो कढ के तू तो जेब च पैसे भी नहीं रखदा तू तो जदों लोकां दे जांदा तां जेबां चो मैं तेरे नाल ही रही हां तू मैं जदों तुर रहे सी तां जेब च पैसे भी नहीं सी हुंदे तू भी इधरों उधरों फड़ के चाके 500 दा नोट भी लोकां दे लैंदा अज तक अपनी जेब चो कढिया ते कमाया सारा पंजाब बेच के जिन्नी कमाई की ना अपनी इनिशियल इनकम देख लै ते अज भी देख लै भी तेरे सारे पासे किन्ने तेरियां जदादा ने ते उत्थे किन्ने बिल तू जदादा दे तू भर दे।